हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक क्रोशिया का पैटर्न लेके आई हूँ। जब आपको ऐसा पैटर्न चाहिए कि उसमें जाली ना दिखे, तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो कि जिसमें जाली ना दिखे और क्रोशिया से भी बने, तो उसी डिमांड को मैं पूरा कर रही हूँ इस डिजाइन के साथ। तो इसके लिए मैंने ये पीस फंदे पीस स्टिच डाल के डबल क्रोशिया पीस डबल क्रोशिया बनाकर एक बेसिक रो तैयार कर ली है। तो नेक्स्ट रो पे आ गया, यहीं से हमने डिजाइन स्टार्ट कर देना है। दो चेन कर लेंगे, तीन स्टिच लगा लिए हमने एक ही स्टिच के अंदर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन और चार, चौथे पे हमने इसको अटक कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए से नए डिजाइन। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि जो मैं बीच में आपको ट्रिक्स बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ क्रोशिया के प्रोजेक्ट बनाने के बारे में, तो वो आपके मिस ना हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर लें। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ एक ही स्टिच के अंदर तीन स्टिच बनाए हैं, तो इसको हम सोचते हैं कि कितने दो स्टिच के बाद टक करना है, तीन के बाद। किसी की वूल मोटी होती है, किसी की पतली होती है। तो ये देखिए, किसी का हाथ थोड़ा लंबा टांग का चलता है, तो किसी का और इससे मेरे से भी छोटा छोटा बुनते हैं। तो उसमें फिर ये जब हम बताते हैं दो फंदे छोड़ लीजिए, तीन फंदे छोड़ लीजिए, तो कई बार आपकी सेटिंग सही नहीं आती। तो देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है यहाँ पे। ये देखिए, यहां से हम ऐसे नाप लेंगे। ये देखिए, ये फोर्थ स्टिच पर आके ये पूरा आ रहा है। ये देखिए ऐसे। तो जब हम इसको फोर्थ स्टिच पर टक कर लेते हैं तो ये देखिए बराबर बराबर आते हैं। ये यहां से ना तो झोल आ रहा है और ना ही यहां पर टाइट लग रहा है। ये देखिए, अगर इसी स्टिच को हम दो स्टिच छोड़ के ऐसे लगा लेते हैं तो अगले बार ये देखिए, ये बहुत बड़ा सा हो गया, तो ये ढीला ढीला ये फैल जाएगा ऊपर जाके हमारा डिजाइन। तो इसलिए बस इसका यही तरीका है कि इसको ऐसे आप नाप के देख लीजिए, एक दो तीन चार, है ना। ये देखिए, जब हम चौथे स्टिच पे टक कर रहे हैं इसको स्लिप स्टिच के साथ, तो ये एकदम परफेक्ट आ रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप थोड़ा सा इस तरह से ट्रिक लगा लें, तो आपका कभी भी प्रोजेक्ट खराब नहीं होता। नहीं तो कभी ऊपर से फैलने लगता है डिजाइन और कभी अंदर को होने लगता है। ये देखिए, इसमें हमारा चार चार पे सेट आ रहा है। चौथे स्टिच में बना रहे हैं तीन स्टिच छोड़ के, तो चौथे में टक कर रहे हैं, तो हमारी सेटिंग एकदम सही आ रही है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन के अंदर हम एज स्टिच नहीं बनाते, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं होती एज की। ये देखिए, लास्ट वाले में टक कर लिया। अब नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो चेन कर लेंगे। और ये देखिए, जहां हमने चेन की है उसी स्टिच के अंदर हमने तीन डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए, अब कहां इसको टक करना है हमने, एक दो तीन। और ये चेन है, जो ये चेन दिख रही है आपको, तो इस चेन के अंदर इसको ऐसे टक करना है। इसके बाद फिर से दो स्टिच और ये चेन बनाइए, इसमें हमने तीन स्टिच बनाने हैं, एक दो और तीन।
और इसको हमने अगली चेन में टक कर लेना है। फिर से दो स्टिच बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे और इसमें तीन स्टिच बना लेंगे। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, इसको बिगनर भी बना सकते हैं और बनके बड़ा खूबसूरत लगता है और इसमें जाली भी नहीं होती है। और ये लास्ट में यहाँ जो दो चेन बनाई है उसी में टक करना है। नेक्स्ट रो पे आगे दो चेन बना लेंगे और यहाँ पर हमने तीन स्टिच बना लेने हैं। और अब देखिए इसको यहाँ टक कर लेना है ये चेन के अंदर। फिर दो चेन बना लेंगे और तीन स्टिच बना लेंगे इसमें। इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर डिजाइन आएगा। इधर से ये ऐसा दिखाई देता है। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। देखिए बनने के बाद ये डिजाइन इस तरह से दिखता है, दोनों तरफ से एक जैसा। आप शॉल, स्कार्फ किसी भी प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, तो आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।